एवरीवन गॉड ब्लेस यू बेटा, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग अच्छे हो बेटा, स्टे होम एंड बी सेफ, अच्छे रहो बेटा, सुरक्षित रहो, ठीक है। नाउ टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 1 एंड द टॉपिक इज द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। हम आज जो टॉपिक हमारा रहेगा ग्रामर का, वो क्या रहेगा, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोसीडिंग टू द काइंड्स, हम काइंड्स पढ़ने से पहले हमें ये मालूम करना है कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस। सो लेट्स रीड, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का ग्रुप, शब्दों का समूह है जो जिससे कि कंप्लीट सेंस, जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो शब्दों का वो समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकले, वही वाक्य होता है। तो जैसे मैंने कहा था सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ से राइज हो रहा है, कहाँ से उदय हो रहा है, ईस्ट से, पूरा अपसर, ठीक है कि नहीं। तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे हमने वर्ड्स का प्लेसमेंट जो है हमारा, कई वर्ड्स को मिला के 6 वर्ड्स को हमने इसमें यहाँ पे गैदर अप किया है और उससे हमारा एक सेंटेंस बना है। हमने क्या क्या से वर्ड्स को करेक्ट प्लेस पे लगाया है और उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस को तैयार किया है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि अब नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो वाक्य हम यूज करते हैं, हम अपने रोज बातचीत के दौरान जो है प्रश्न भी पूछते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, है ना, ऑर्डर भी देते हैं, तो ये क्या, उसके लिए हम अलग अलग सेंटेंसेस रहते हैं और उनको जो वे ऑफ है, जो हमारा उनका वर्बली हम जो बोलते हैं उसको, तो उनका हमारा बोलने का तरीका भी अलग रहता है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी हम इसी को ही डील आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड हमारे सेंटेंस है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, इसमें जो है वो वाक्य जिनमें केवल डिक्लेरेशन होता है या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है, वो होता है हमारा फर्स्ट काइंड है, क्या है कि असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। उसमें केवल सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं जो कि हमारे दो, उसके भी हमारे दो पार्ट हैं, या तो हम बात को, जो भी हम बात करते हैं उसका वो जो है हाँ में करते हैं या फिर ना में करते हैं। तो जो भी हमारे जो स्टेटमेंट जो रहता है हमारा, वो तो या तो पॉजिटिव में रहता है, यस में रहता है, या फिर नो, नेगेटिव में रहता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन जो है कि वो कैसा है, अच्छा लड़का है, तो ठीक है। यहाँ मैंने पॉजिटिव दिया आपको सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और ये सेकंड वाला मैंने दिया, रोहन इज नॉट अ गुड बॉय, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉट, ना, नो को यूज किया, नॉट को, तो नकारात्मक वाक्य है ये। तो हमने क्या किया, इसमें नेगेटिव किया है, तो हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में हमारे नो, नॉट, नेवर, यही वर्ड्स यूज होते हैं। तो हमारे असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट को हम दो भाग में यूज करते हैं, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव में, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमारा सेकंड सेंटेंस का काइंड क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस, वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे, और उसके एंड में, जैसे अफर्मेटिव में फुल स्टॉप यूज होता है हमेशा, लास्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट फुल स्टॉप। यहाँ पे हम असर्टिव में सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, एज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछ रहे, तो हम क्या करेंगे, इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने अपने सेंटेंस के एंड में क्या किया, क्वेश्चन मार्क को लगाया, ठीक है। इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस है, दे एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा। तो ये कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है जो हम रेगुलर ज्यादातर जो यूज करते हैं, यूजुअली वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या हमारे सेंटेंसेस में या एडवाइस आती है, ठीक है, सजेशंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, रेखा डू योर वर्क, मैंने रेखा से कहा कि अपना काम करो, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ऑर्डर दिया उसको। अब मैंने बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो मैंने यहाँ जहाँ प्लीज वर्ड यूज किया, इट्स अ रिक्वेस्टिंग वर्ड, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मैंने किया कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो भी रिक्वेस्ट हमारी या ऑर्डर होगा वो किससे उसमें फॉल होगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और एंड इमोशंस। जब कोई अचानक से कोई बात होती है तो, और हमारे में अचानक से जो भावना उत्पन्न होती है, ठीक है ना, अगर हम इसको दुखी देख लेते हैं तो बोलते आह करके एकदम, या चोट लग जाती है तो बोलते आह चोट लग, आउच, क्या कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये हमारे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो सडन एक्सप्रेशन होता है, अचानक से जो होता है
तो हमारे में जो फीलिंग्स आती हैं वो इसमें जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा हमारे सेंटेंस के एंड में रहता है या बीच में भी आ जाता है। और नेक्स्ट इज लास्ट वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दे एक्सप्रेस विश, प्रेयर, मून और कर्स। इन सेंटेंसेस ये भी जो है फीलिंग्स ही और विश को यूज, जो भी हमारे डिजायर रहता है प्रेयर या हम किसी के लिए या बून आशीर्वाद जो अगरदान या फिर कर्स या फिर कि जो किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं वो ये सब उसी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दे एक्सप्रेस विश, प्रेयर, बून और कर्स, ठीक है। इसके लास्ट में भी क्या होता है हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यहाँ मैं क्या करी विश करने की तुम लंबी आयु तक जीव लंबा तुम्हें लंबा जीवन मिले, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पे एक विश किया, डिजायर किया कि आपको लंबा जीवन मिले, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा विश है। तो दीज आर द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारे सेंटेंसेस के काइंड है। यू हैव टू राइट द नोट्स इन योर नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर नोटबुक, इसको आप लिखेंगे। एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स, मैं नोट्स भी आपको सेंड करी बेटे, तो राइट देम डाउन, ठीक है। ओके बेटा, हमने सेंटेंस और काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में तो पीढ़ी पढ़ लिया है, ठीक है। अब नाउ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने के बाद हम ये देखना है कि सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, और सेकेंड होता है प्रेडिकेट। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन है, वो पर्सन के यस चीज के बारे में जिसके बारे में वो वाक्य है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में, हमें राम के बारे में बता रहा है कि राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, राम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन की, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि राम रोज स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो हम यहाँ पे हमारे वाक्य में हमने किसके बारे में बात की है, राम के। अब सेकेंड है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। अब जो भी बात सब्जेक्ट के, जो कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा कर्ता, और प्रेडिकेट क्या होता है कर्म। जब जो भी बात हम कर्ता के बारे में कहते हैं, तो जो भी बात हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो जो भी व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट, जो भी बात हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं तो वो क्या होती है हमारा प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट में हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। जी यहाँ देखो राम गोज टू स्कूल, जैसे मैंने कहा यहाँ तो सब्जेक्ट हमारा राम है कि राम स्कूल जाता है, यहाँ हमारा वर्ब क्या है, गोज, ठीक है। तो गोज के बाद, ये गोज के बाद जितना भी सेंटेंस होता है वो कहाँ फॉल हो जाता है, हमारा प्रेडिकेट में। जैसे मैंने, क्योंकि मैंने कहा प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब रहता है, तो यहाँ जो वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट में फॉल हो गया आपका वर्ब। जैसे मैंने सेकंड सेंटेंस बोला फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, फूल कहाँ खिलते हैं, बगीचे में, फूल बगीचे में खिलते हैं। तो फ्लावर्स हमारा क्या खिलता है बगीचे में, हमने हमारे को जवाब मिला, आंसर मिला फ्लावर्स। तो जो हमें आंसर मिला वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारे हमने लिखा फ्लावर्स, वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। ब्लूम खिलना, खिलना जो है क्या है वर्ब, तो ब्लूम हमारा हुआ वर्ब। और उसके बाद इन द गार्डन वर्ब, और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन द गार्डन, ये आपका पूरा किसमें फॉल होगा, प्रेडिकेट में। तो यहाँ मैंने आपको बताया आफ्टर द वर्ब द होल सेंटेंस फॉल्स इन द प्रेडिकेट। आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब है आपका, तो वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस है वो आपका कहाँ फॉल होगा, प्रेडिकेट में फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपका जितना भी सेंटेंस है यहाँ पर, ये किसमें फॉल होगा, प्रेडिकेट में। और जो आपका जो भी कर्म है कि मतलब क्या क्या खिल रहा है गार्डन में, जो हमें आंसर मिलेगा फ्लावर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी आपकी क्लास के लिए इतना ही है, तो राइट डाउन द डेफिनेशंस इन द क्लास वर्क नोटबुक एंड डू द एक्सरसाइजेस एज सेट, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ एज डायरेक्टेड, जहाँ जहाँ आपको कहा गया वहाँ उसमें आपको कॉपीज में और बुक्स में आपको एक्सरसाइजेस करना है बेटा। गॉड ब्लेस यू।